हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ महीने से या महीनों से बोल सकते हैं, एक महीने से मैं थोड़ा इनएक्टिव था यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, बताएंगे फिर कभी। मतलब ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, एग्ज़ाम ही चल रही थी, आपके सर की फटी पड़ी थी, पढ़ना था तो थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था, राइट। तो नाउ वी आर बैक एंड यस, पिछले वीडियो की बात कर रहे थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या क्या हैं, क्यों ज़रूरी है, एंड उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड वी ऑल्सो सॉ इन डिटेल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज उसका इक्वेशन। ये सारे डिटेल्स अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो फिर जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के आपके दोनों वीडियो मिल जाएंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। यस, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो है छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है और क्यों देखना है इसे, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ को पहले देखेंगे, दैट इज अमीबा। एक सेल का क्या ही होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स है ना, तो हम लोग पहले अमीबा को देखेंगे और फिर ह्यूमंस को देखेंगे, दैट विच आर द मोर कॉम्प्लेक्स है ना, एज कम्पेयर टू अमीबा हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। सो वी विल ऑल्सो सी द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो आज का जो वीडियो है दैट इज टोटली अबाउट अमीबा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अमीबा। लिख लेते हैं सबसे पहले भाई न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा है क्या, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना दैट इट इज़ अ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं बार बार यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जो कि आप दोगे कभी ना कभी, तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म करके भी पूछ लेते हैं कि राइट अबाउट द न्यूट्रिशन दैट इज डन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार ऐसा तो बुक में टॉपिक था ही नहीं, टॉपिक नहीं था इस नाम का, लेकिन अमीबा तो था, है ना। तो अमीबा जो है वो खुद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके न्यूट्रिशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या तो फिर अमीबा। अब देखो जो अमीबा है, मैंने क्या कहा, हीट्रोट्रॉफिक है ना, कैसा है वो फॉलो करता है हीट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स इट इज़ अ हीट्रोट्रॉफ, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, सही बात है, ओके। हीट्रोट्रॉफिक में भी तो बहुत सारे टाइप है अलग अलग, तो इसका जो टाइप है दैट इज स्पेसिफिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय अमीबा, ठीक है। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है द होल फूड, ओके, द होल फूड एज अ सिंगल पार्टिकल इज एनगल्फ्ड इन टू द बॉडी या फिर बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर डाइजेशन चालू होता है। डाइजेशन बोले तो क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उसको तोड़ना है और उनको कन्वर्ट करना है इनटू छोटे छोटे मॉलिक्यूल ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये जो भी डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर आने के बाद होगा, यानी फूड विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और उसके बाद उसके ऊपर डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक। यानी खाना खाने से पहले उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, ना ही फिजिकल ना ही केमिकल। अंडरस्टूड, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है। अब अमीबा कैसे कर रहा है इसको, तो देखिए अमीबा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म, कैसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कुछ भी बना दो, खाली कवर्ड स्ट्रक्चर और अंदर एक न्यूक्लियस दे दो, ये हो गया तुम्हारा अमीबा और अंदर थोड़े से डॉट्स, ठीक है। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा बना दिया, अब तुम्हारा अमीबा चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा ही है बस शांति से, ठीक है, पानी के अंदर बह रहा है। अब क्या होगा, इसके आजू बाजू जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आ जाएगा, सपोज दिस इज द फूड पार्टिकल, है ना, कुछ ऐसा बना लेते हैं अपन, ये तुम्हारा फूड पार्टिकल है, तुम्हारा मतलब अमीबा का। तो अब अमीबा का फूड पार्टिकल आ गया, अब इसके पास क्या हो गया, सेंसिटाइज कर लेगा इसको किसी ना किसी तरह से, मतलब इसको पता चल जाएगा कि भाई फूड आ चुका है, कृपया करके उसे ग्रहण किया जाए, है ना, भूख लगी उसको, तो इस फूड पार्टिकल को वो इंजेस्ट करेगा। क्या करेगा, इंजेस्ट। तो इंजेस्ट करने के लिए इट विल एक्सटेंड इट्स सेलुलर मेम्ब्रेन। क्या कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे तुम लोग, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन है, अब सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर दिया इसने, देखो इस तरह से कुछ ऐसे करके कुछ एक्सटेंड कर देगा, और जो तुम्हारा फूड पार्टिकल बाहर था अब इसके कब्जे में आ चुका है, ठीक है, ओके, ये रहा इसका न्यूक्लियस, बाकी सारे डॉटेड स्ट्रक्चर। इस तरह से इसने क्या कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू ट्रैप द अमीबा, सॉरी ट्रैप द फूड, अमीबा खुद को थोड़ी ट्रैप करेगा, है ना। तो अमीबा जो है उसने अपने सेलुलर मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर दिया, किसको ट्रैप करने के लिए, फूड पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए। ये क्या था तुम्हारा भाई, फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल भी कहाँ है, इसके ट्रैप में। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ऐसे
अंदर से निकाला बाहर, तो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन मतलब बॉडी में से कुछ ऐसा बाहर निकलना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच विल ट्रैक द फूड, दीज आर नोन एज सूडोपोडिया। क्या कहेंगे इसे हम लोग? सूडोपोडिया। अंडरस्टूड? सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सूडो, सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फिंगर, तो सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैंने जो लिखा थोड़ी देर में आएगा वो गीले चौक से लिखा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो जो भी फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो बाहर निकलेंगे और तुम्हारे फूड को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही फूड ट्रैप हो गया, ये फिर फूड कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर, डेफिनेटली। तो बॉडी के अंदर गया, ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, बाकी सारे पार्टिकल एज इट इज, जो उसका साइटोप्लाज्म है, और एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया एक्चुअली यहाँ पे? फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। फूड वैक्यूल के अंदर भी उसके फूड ही मिलेगा, वेरी ऑब्वियस, राइट। तो फूड वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ गया, अब उसके ऊपर होना है डाइजेशन। अब मुझे ये बताओ कि हाउ डिड द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल टेक प्लेस? फूड वैक्यूल जो है वो कैसे बना? बिकॉज पहले डायग्राम में तुम अगर देखो, अमीबा के अंदर कोई फूड वैक्यूल नहीं था, फूड बाहर था। इसने क्या किया? उसको सेंस किया, अंदर कर लिया ट्रैप, अब वो बॉडी के अंदर आ गया, तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। सो इसके लिए तुमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फूड फॉर अमीबा। तो अमीबा अपना खाना लेता कहाँ से? तो बेटा जहाँ पे वो रहता है कहाँ पे? वो पानी में है ना, अमीबा और द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विल बी फाउंड इन द एरिया विथ मॉइस्चर, और ये तो स्पेसिफिकली पानी के अंदर ही होता है। तो पानी के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्लांट्स और एनिमल्स, उनको ये खा लेगा। इज इट क्लियर? प्लांट या तो एनिमल स्पीशीज के जो भी उस किंगडम को बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वो इनके लिए फूड पार्टिकल बनेंगे। तुमको अमीबा वैसे भी नहीं दिखता है, तो उसका फूड तो क्या ही दिखेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो जो भी पानी के ऊपर सरफेस पे जो तैर रहा होता है वो इसका फूड है, जो एकदम माइक्रो है, ठीक है, एकदम छोटे साइज में, और फिर वो उस ऑर्गेनिज्म के साथ साथ पानी को भी पी लेगा। सीधी सी बात है यार, अगर वो अपना मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड कर रहा है तो फूड के साथ साथ थोड़ा बहुत वाटर भी तो आ ही जाएगा ना, तो वाटर जो अंदर आया वही उसका फूड वैक्यूल बन जाएगा। इज इट क्लियर? सो द फूड वैक्यूल कैसे बना? थोड़ा सा पानी भी उसके साथ ले लिया, ठीक है, फूड के साथ। ओके, अब क्या होगा? डाइजेशन। तो इसके बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है सारे इसके अंदर एंट्री मारेंगे, ठीक है, एंट्री ऑफ द डाइजेस्टिंग एंजाइम डाइजेशन करने के लिए जो डाइजेस्टिंग एंजाइम थे वो अब अंदर घुस गया, थोड़ा फंबल हो गया, कोई नहीं। तो डाइजेशन स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब डाइजेशन स्टार्ट होगा, ये देखो इंजेशन हो चुका था फूड का, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंजेशन। फूड का क्या हो गया? इंजेशन। इंजेशन बोले तो द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड का आना, उसको हम बोलेंगे इंजेशन, अंदर। अब ये क्या स्टार्ट हो गया इसका? डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा उसके साथ? देखो ये फिर से न्यूक्लियस, ढेर सारे अलग अलग पार्ट। अब क्या हो चुका है? डाइजेशन हो चुका है, यानी फूड वैक्यूल में से अब फूड तो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि पहले बड़ा मॉलिक्यूल था, अब छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन गया। अब जैसे ही फूड छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन गया, वो पूरे बॉडी में फैलने लगेगा, मतलब डिफ्यूज़ होगा। हम भी जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना ब्लड में से, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे सारा का सारा फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके पूरे बॉडी में फूड चाहिए उसको, सिर्फ फूड वैक्यूल में फूड को रख के क्या करेगा, है ना। सो नाउ द डाइजेस्टेड फूड विल गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रोसेस हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, समझ जाना स्पेलिंग, ABSORPTION मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का सारा फूड जो है डाइजेस्टेड फूड, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे के पूरे अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, क्या बोलते हैं हम उसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, ठीक है, ये सारे बेसिक्स हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा फूड जो है डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाएगा, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस याद रखना। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा खाना पहुंच गया, अब क्या करेगा वो? खाने को यूज़ करेगा, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा तो सीन है नहीं यहाँ पे, ठीक है, उसको तो इस्तेमाल ही करना है, राइट। तो जो भी फूड है तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड जो कि एब्जॉर्ब हो चुका था, एब्जॉर्ब होने के बाद अब वो चला जा चुका है पूरे बॉडी पार्ट में। तो यहाँ पे तुमको चेंज बनाना है डायग्राम में, वो चेंज क्या आएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। एब्जॉर्प्शन के टाइम पे फूड वैक्यूल था, डाइजेशन के टाइम पे भी था, वेरी गुड, डाइजेशन में फूड वैक्यूल है, एब्जॉर्प्शन में फूड वैक्यूल है, लेकिन जैसे ही एब्जॉर्प्शन खत्म होता है, ओके, कंप्लीटली खत्म हो गया तुम्हारा, इंजेशन खत्म, डाइजेशन खत्म, एब्जॉर्प्शन भी खत्म, एब्जॉर्प्शन के बाद कोई भी फूड वैक्यूल नहीं होना चाहिए डायग्राम के अंदर। वाई? बिकॉज द फूड हैज़ ऑलरेडी बीन एब्जॉर्ब्ड बाई द एंटायर साइटोप्लाज्म। जैसे ही तुम्हारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, द फंक्शन ऑफ फूड वैक्यूल इज ओवर। सो आई कैन कंक्लूड दैट द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल इन द अमीबा इज फॉर टेम्पररी टाइम ओनली। इज इट करेक्ट? येस, ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ सही होगा, ठीक है, यूट्यूब पर तुमको फूड थोड़ी बनाऊंगा, है ना। तो देखो,
ये जो भी है फूड वैक्यूल वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे रिमूव हो जाएगा टेम्परेरी टाइम के लिए, जब तक खाना है तब तक फूड वैक्यूल है। जैसे ही खाना गया फूड वैक्यूल तुम्हारा नमस्कार करके चमत्कार होकर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल तुम्हारा गायब। तो ये जो प्रोसेस है फूड वैक्यूल के गायब हो जाने का, इसको हम लोग बोलेंगे असिमिलेशन, ठीक है। असिमिलेशन बोले तो क्या, जो फूड इसने खाया उसको वो करेगा यूज़। तो अमीबा क्या ही यूज़ करेगा फूड का, तो जो यूज़ हम करते हैं एनर्जी डिराइव करने के लिए, सो अमीबा विल ऑल्सो डिराइव द एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड, राइट, एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेस ऑफ अमीबा। अमीबा की लाइफ प्रोसेस में क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर एक दिन जाके वो बीच में से टूट जाएगा और अमीबा का सेल डिवीजन होने के बाद दो नए अमीबा बन जाएंगे, रिप्रोडक्शन में यूज़ करेगा वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेल डिवीजन हो जाएगा। तो असिमिलेशन का मतलब होता है द यूसेज ऑफ फूड एंड डिराइविंग द एनर्जी फ्रॉम इट टू ग्रो एंड डेवलप, सिंपल, ओके, एंड रिप्रोड्यूस एज वेल। असिमिलेशन होने के बाद जो भी बचेगा अमीबा के बॉडी में होगा कचरा। अब वो कचरे को बाहर कैसे निकालेगा, देखो अमीबा के पास माउथ जैसा कोई ऑर्गन नहीं था, है ना, अमीबा डोंट हैव एनी माउथ लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए उसने सूडोपोडिया बनाया बाहर निकाला, ये उसका अडाप्टेशन है, ठीक है। आगे बढ़ गया वो, तो भाई बोलो कि रोने धोने में क्या रखा है, ठीक है, माउथ है नहीं तो किसी ना किसी तरीके से फूड तो लेना ही है, तो उसने सेल मेम्ब्रेन खोल दिया, बाहें फैला ले कि हे फूड आ जाओ। अब कचरा भी निकालना है तो क्या करेगा, तो अपने सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करवा लेगा। क्या करेगा, रप्चर मतलब होता है थोड़ा सा हल्का सा फट जाना, फटे फुटे कपड़े होते हैं ना, थोड़े टाइम थोड़े एक जगह से फटा होता है, बाकी टाइम मतलब बाकी जगह पे वो सही होता है, ठीक है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में भी क्या कर देगा, थोड़ी जगह पे फाड़ देगा और यहाँ पे जो भी वेस्ट है बॉडी के बाहर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ जहाँ पे बॉडी का वेस्ट बाहर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। इजेशन का मतलब द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये हमने देखा डायग्रामेटिकली द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब मुझे ये बताओ, इजेशन इसने कर लिया, इसका सेल मेम्ब्रेन जो है फट गया, फट के तुम्हारा कचरा बॉडी के बाहर है ना, यहाँ पे मान लो कचरा बाहर आ गया, ये सारे कचरे बाहर आ गए, ठीक है, कचरा बाहर हो चुका है। अब जो सेल मेम्ब्रेन फटा वो फिर से बनेगा कैसे, तो उसके लिए तुमको फिर से बैक जाना पड़ेगा असिमिलेशन के टाइम पे। देखो असिमिलेशन में इसने एनर्जी डिराइव की थी, यस और नो, यस। तो असिमिलेशन में जो भी एनर्जी डिराइव हुआ था वो सारा का सारा एनर्जी यूज़ तो नहीं होगा, क्योंकि देखो अमीबा है यार छोटा सा चुल्लू भर का ऑर्गेनिज्म, जितना उसके अंदर एनर्जी सारा यूज़ नहीं कर लेगा वो एक ही दिन में, कुछ सेफ भी तो रखेगा फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो कर लिया उसने, तो अब रिपेयर भी करेगा, क्यों, क्योंकि रप्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो हो चुका भैया। अब जो रप्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हुआ उसको फिर से बनाना भी तो है, सो दिस इज़ नोन एज द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सिंथेसिस को हम लोग एक और वर्ड क्या जानते हैं, जेनेसिस, मेम्ब्रेन का जेनेसिस हो रहा है, राइट। और ये जो मेम्ब्रेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बोले तो बायो, है ना, तो बायोजेनेसिस बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जेनेसिस हो रहा है ना, तो बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन विल टेक प्लेस आफ्टर द इजेशन हैज बीन डन, क्योंकि एक बार जो मेम्ब्रेन खोल जाए हमेशा के लिए खुला नहीं रह जाएगा, नहीं तो वेस्ट के साथ सब कुछ बह जाएगा, ठीक है, हमको सब कुछ नहीं बहाना है ना। तो अमीबा क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओके, या तो फिर बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों टर्म सही है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करने के लिए भी उसका एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसने यहाँ पे सेव करके रखी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इंजेशन, ठीक है, यहाँ पे इंजेशन होते हुए दिख रहा है तुमको। दिस इज द सेकंड पार्ट जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज हुए थे डाइजेस्ट करने के लिए। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, दैट इज द थर्ड पार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब जो भी फूड अमीबा ने डाइजेस्ट किया है उसको पूरे बॉडी में पहुंचाना है। एंड देन यूसेज ऑफ फूड इज नोन एज असिमिलेशन, यानी उसको यूज करेगा फूड को जो भी उसने खाया है। एंड द लास्ट पार्ट इज इजेशन, यानी जो भी फूड उसके काम का नहीं था, जो फूड खाने के बाद या फिर जो वेस्ट बना बॉडी में उसको बाहर निकालना था, बिकॉज वेस्ट आर ऑलवेज टॉक्सिक, तो उसको बाहर निकालेगा, तो वो हो गया इजेशन। अब डिटेल में जो थियरी है वो मैं अगले स्लाइड में लिख दूंगा, राइट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड ऑन द बोर्ड बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो काम करते हैं यार कि सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ प्योर इंग्लिश में वो आएगा ऊपर टैगलाइंस के फॉर्म में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो थियरी, ठीक है। एक एक का डेफिनेशन मैं बोलूँगा, वो सेम टू सेम लाइन ऊपर आ जाएगी, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना, ठीक है, क्योंकि राइटिंग इतना भी कुछ मस्त नहीं है कि मैं बोर्ड पर लिखूँगा और आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, राइट। तो टाइम बचाते हैं, चलिए। सो हाउ आर यू गोना राइट दिस थियरी इन द एग्जाम इफ इट कम्स, जो कि आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द इंजेशन। इंजेशन
कैसे हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट अमीबा विल नॉट एक्सटेंड इट्स सीडोपोडिया ऑल द टाइम. वेन एवर इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन द वॉटर इट विल एक्सटेंड द सेल मेम्ब्रेन एंड दैट एक्सटेंशन इज नॉट परमानेंट. इट विल बी टेम्पररी बिकॉज एज सुन एज द फूड इज इनसाइड द बॉडी इट विल बी सेम अगेन जस्ट लाइक दैट. सो दिस टेम्पररी और दिस फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हेन द अमीबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फूड इज नोन एज सीडोपोडिया. सो इट विल ट्रैप द फूड बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया एंड द फूड विल बी टेकन इनसाइड द बॉडी. एज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी नॉट आउटसाइड दैट इज वाई इट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन और द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज ऑल्सो नोन एज फेगोसाइटोसिस. What did I say? Phagocytosis. Phagocytosis means cell feeding. पूरे के पूरे सेल को खा जा रहा है वो दूसरे के फूड को पूरा खा जा रहा है. ठीक है. और हम एक सेल को खाना दे रहे हैं एक अमीबा वाला सेल है उसी को खाना दे रहे हैं. That is why it is known as self feeding also, right? तो phagocytosis is the process. It has ingested the food inside, so the process is known as ingestion. Okay, now the food is inside the body of amoeba or we can say the cell membrane. Then the formation of food vacuole will take place. Now where did this come from? So amoeba along with food also took some water inside and that will form the food vacuole which is also temporary. As soon as the food reaches the food vacuole, the digestive enzymes present in amoeba. What do you mean by enzyme? Enzymes are those biological substances or molecules which will enhance the reaction, or we can say they are also known as biological catalyst. Okay, so enzymes will enhance the reaction. It will consume less amount of time and it will, you know, just increase the rate of reaction, right? Product same रहेगा, सिर्फ time कम हो जाएगा. Product के amount में कोई change नहीं होगा, बस कम time में हो जाएगा, right? So the digestion of food is taking place over here. So this is known as digestion because the breaking down of large molecules into simpler and small molecules is being done. Complex organic matter tha usko simple mein kar diya taki body absorb kar paye, right? So this is digestion. Now the next step is absorption. Absorption takes place by simple diffusion. This is very important. Diffusion means the movement of particles from their higher concentration towards their lower concentration. Usko bolte hain diffusion. Simple se example de raha hu, sun lo. Room ke kisi kone mein agar main spray karta hu to pure room mein uski sugandh aa jayegi. Kyun aayi? Spray to maine ek hi jagah pe kiya, क्योंकि जिस जगह पे मैंने स्प्रे किया वहाँ पे फ्रेग्रेंट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, बाकी जगह पे नहीं थे. बाकी जगह पे हवा थी. फिर ये फैले, तब तक फैलेंगे जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए. जैसे ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सुगंध पूरे रूम में आ गई. दुर्गंध के लिए भी यही काम करता है. दोनों का मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ उनका कॉन्सेंट्रेशन देखना. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड वॉज मोर इन द फूड वैक्यूल एंड द साइटोप्लाज्म वॉज एम्प्टी. सो the diffusion of food particle, okay, diffusion of food particle will take place and the whole food will be absorbed in the cytoplasm and this food will be used for growth and development of amoeba. So the size of amoeba will increase considerably. Now the usage of food molecule for the growth, development, repair and reproduction is known as assimilation. Assimilation means simply the use of food. Okay, so the amoeba will grow in size, it can develop and it can undergo many changes as well as इट विल ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सिंपल सेल डिविजन. बाइनरी फिशन होता है, ठीक है, यहाँ से टूट जाएगा अमीबा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक, वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे. नाउ द असिमिलेशन ऑफ फूड हैज बीन डन. सो डाइजेशन हो गया, असिमिलेशन हो गया, फूड को यूज भी कर लिया. नाउ वट एवर द थिंग इज लेफ्ट इन साइड द साइटोप्लाज्म दैट इज जस्ट द वेस्ट एंड वेस्ट आर टॉक्सिक. वी नो दिस. सो द टॉक्सिक मटेरियल्स आर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड दैट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज नोन एज इजेशन. इजेशन मतलब बाहर. सो इजेशन विल बी डन बाई द रपचरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. द अमीबा विल रपचर इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड द वेस्ट मॉलिक्यूल विल बी रेगुलेटेड आउटसाइड द बॉडी. नाउ इजेशन हैज बीन डन. सो द रपचरिंग इज स्टिल देयर. हाउ इट विल रीजनरेट दिस मेम्ब्रेन? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज membrane biogenesis. membrane outer most layer, bio means life living organism and genesis means synthesis. So membrane ka biogenesis ho jayega in amoeba. That energy will also be used from the process after assimilation. Assimilation mein se jo energy mili hai ya fir absorption hone ke baad jo bhi energy bacha hai wo sara energy yahan pe use ho jayega. Theek hai. So this is how the nutrition in amoeba takes place. Sari ke sari theory upar aa chuki thi. I hope apna screenshot le liya hai. And agar fir bhi koi doubt, dikkat, samasya, pareshani, takleef, man mein shanka ho तो कमेंट बॉक्स आप ही का है. आप वहाँ पे कमेंट करिए, पूछिए डाउट जो भी, मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर ही दूँ. वैसे इतना बड़ा तो अपना यूट्यूब चैनल है नहीं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें और होती हैं तो मैं देखूँगा. कोई डाउट आता है तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा, ठीक है. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूँगा ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.